कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को ओप्पो एफ एफ यूथ के 3B प्रॉब्लम बताऊंगा और आपको बताऊंगा इस सेटअप को क्यों नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले जो इसका प्रॉब्लम है वो है इसके अंदर कोई गोरिल्ला ग्लास नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन जो है वो इतनी अच्छी स्क्रीन जो इन्होंने बनाई है 18:9 रेशो की, अगर वो घिरी तो फ़ौरन टूट जाएगी, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास नहीं है वो होना लाजमी है आजकल के मोबाइल में। और जो दूसरा प्रॉब्लम है इसका वो है इसके कैमरे को लेकर। इसका कैमरा जो है बैक कैमरा सिर्फ 13 मेगापिक्सल है, हद है। मतलब जो बैक कैमरा आपने घिसे पिटे मोबाइलों में दिए, A57 है, ओप्पो F3 है, A37 है, सब में यही बैक कैमरा है। आपने न्यू सेट 2017 में निकाला, कोई कैमरा चेंज नहीं किया। और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल चलो वो अच्छा है, लेकिन बैक कैमरा जो है आपको कम से कम थोड़ा अच्छा रखना चाहिए था। 13 मेगापिक्सल इनका जो बैक कैमरा है उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है प्राइस रेंज के हिसाब से। और जो तीसरा प्रॉब्लम है, तीसरे में दो प्रॉब्लम मैंने ऐड किया। सबसे पहला जो तीसरा प्रॉब्लम है वो है प्राइस। मतलब जिस प्राइस पे क्या चीज़ दे रहे हैं, मतलब क्या पागल समझा है लोगों को। आप पाकिस्तान में इसकी प्राइस है 29,000 ऑलमोस्ट और इंडिया में प्राइस है 17,000 ऑलमोस्ट। और इस प्राइस रेंज में आप एक मीडिया टेक का प्रोसेसर दे रहे हो और आप जो है 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दे रहे हो, और आप जो है मतलब क्या करना चाह रहे हो, सिर्फ स्क्रीन न्यू दे दी है और फ्रंट कैमरा से सेल्फी लेनी है क्या, ऐसा नहीं है। अगर आप इस रेंज में देखें तो इससे कम में आपको हॉनर 7X मिलता है 13,000 में इंडिया में, और काफ़ी अच्छी प्राइसिंग रखी है हॉनर ने, अपना हवावे ने, और शॉमी के सेट इतने सारे, तो हम क्यों लें ओप्पो F5 यूथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ स्क्रीन के लिए लें, ओप्पो के नाम के लिए लें। तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं ओप्पो से, और बहुत ही कोई मैं समझ लें अगर आपको पैसे बचाने हैं तो ये सेट ना लें, कोई और सेट लें, 7X लें, हॉनर बहुत अच्छा सेट है। सो आज की वीडियो यही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।